दियो। मैं हूँ संतोष जथार, फिर से देख रहे होंगे ये पहचान जो है लखनऊ की पहचान है रूमी गेट। साथियों, यहाँ खाली इसी के लिए नहीं जाना जाता है, इसके साथ ढेर सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। सुबह उठो तो शुद्ध खाने पीने की चीज़ें जो जितनी मिलती हैं इतनी कहीं नहीं मिलती। साथियों, तो मेरी भी सर्च कुछ ना कुछ रहती है आप लोगों को कुछ नया देने के लिए। आज मैं निकल रहा था तो अचानक एक हेडिंग पे खबर पड़ी, डाइट एंड बाइट फॉर 49 ओनली मोर देन 10 ग्राम। ओके साथियों, मोर देन 100 ग्राम, ये देखिए 49 में। खैर, जिज्ञासा बढ़ी, जिज्ञासा कोई आप लोगों के सामने रहता रहता हूँ। नो प्रिजर्वेटिव, नो एडेड फ्लेवर्स, नो एडिटिव, इंग्रेडिएंट्स में ग्राम, ग्रीन ग्राम बीन्स, आलमंड, सोया सीड्स, पीनट, और ये जो है ये एक प्याली है। खैर, जीवन में जानना चाहिए कॉन्टैक्ट, होम डिलीवरी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे तो लिखा बहुत कुछ होता है, ये तो निजी चीज़ें हैं, दीवारों में लिखी चीज़ें पर सब लोग ले लेते हैं, लेकिन उसको जानना समझना भी जरूरी होता है। क्या चीज़ है ये, आप ये क्या है ये आपका जो आपने ये सब बोर्ड वोर्ड लगा रखा है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है बताइए। इट्स अ कॉन्सेप्ट डाइट एंड बाइट, ये थोड़ा तेज बोलिए। ये डाइट एंड बाइट का न्यू कॉन्सेप्ट निकाला गया है। डाइट एंड बाइट क्या चीज है? डाइट एंड बाइट एक कंपनी है जो आपको डाइट और बाइट दोनों के ऊपर आपको एडवाइस करती है। बाइट से क्या मतलब? बाइट मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बाइट? आप हेल्दी खाना खाओ, मतलब आप नो प्रिजर्वेटिव्स लो, नो एडिटिव्स लो, प्रॉपर एक। आप इतनी बातें बता रहे हैं ना, इंग्लिश के साथ हिंदी वर्ड भी यूज कीजिए। यहाँ देश की बहुतायत आबादी जो है इतने लोग हैं वो हिंदी वाले हैं, तो ये आप प्रिजर्वेटिव है, इतने लोगों से मुझे समझ में आया नहीं आया, तो इसलिए शुद्ध हिंदी का प्रयोग कीजिए। तो प्रिजर्वेटिव मतलब कि इसमें कोई केमिकल नहीं लगा डाले गए हैं ऐसे जो इसको काफी टाइम तक रिटेन करके रखे। ये आप मॉर्निंग में ही पैक होता है और मॉर्निंग में ही आप खा सकते हो। ये न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है, मतलब आप खाते हो, मतलब कुल मिला के इसमें कहा जाए तो पोषक तत्व तो बहुत है। अच्छा, हिंदी का भी ज्ञान रखा कीजिए, समझ रहे हैं। इंटरव्यू वगैरह में हिंदी जो आप बोल रहे हैं ये अपने समझने के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, और ये देश की 1 करोड़ 40 लाख आबादी है ये उसके लिए होता है। चलिए, समझ रहे हैं। अब इसको खोलिए, बात करते क्या है। तो आपका ये सिद्ध कीजिए कि ये अच्छा है लोगों के लिए, खोलिए इसको बताइए। सर, इसके अंदर ये डाइट एंड बाइट का आपको वो मिलता है जिसके अंदर ब्रांडिंग का वो। आप खोल कर दिखाइए कि यहाँ जो है ना, आप पूरे 15 देशों में जा रहे हैं। साथियों देखिए, ये यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ ये स्प्राउटेड चने हैं, ये अंकुरित चने हैं, और इसमें इन्होंने विशेष जो बात है मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें बादाम। अच्छा, चने और बादाम का क्या कॉन्सेप्ट है? चने हमारे, हमको काफी तरह के मिनरल्स और प्रोटीन चाहिए होते हैं सर। अच्छा, काफी तरह के मिनरल्स और प्रोटीन चाहिए होते हैं। कैसे? जैसे हमें विटामिन चाहिए, ठीक, विटामिन चाहिए, हमें फाइबर चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, अच्छा, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए और हेल्दी फैट्स भी चाहिए। आपका मतलब है कि आपकी बॉडी को विटामिन, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, मिनरल्स और हेल्दी। अच्छा, तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी को जो चीजें चाहिए ये आप दे रहे हैं, तो इसमें इसके लिए क्या किया है आपने? तो सर ऐसा होता है कि हमारे विटामिन और फाइबर हमें कहाँ से मिलेंगे? विटामिन और फाइबर हमें मिल जाते हैं बादाम से, ठीक, विटामिन और फाइबर बादाम से मिल जाते हैं, ठीक, हमें फाइबर मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इसके, ये हमारे होते हैं मूंग की दाल के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट बहुत प्यारे फाइबर, मूंग की दाल के अंदर हमें फाइबर भी बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक। ओके सर, प्रोटीन हमें बचपन से ही बताया जाता है कि देसी चने अकवे निकले हुए उसके अंदर बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा प्रोटीन का एक सोर्स। अब हमें मिनरल्स और हेल्दी फैट्स कहाँ से मिलेंगे? इसके अंदर गेहूँ डाले गए हैं। अच्छा, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स के लिए, मतलब आपने मूंग काहे के लिए डाला है बताया? मूंग हमारा फाइबर्स के लिए लगा, मूंग फाइबर्स के लिए, और गेहूँ काहे के लिए? गेहूँ हमारा मिनरल्स के लिए और हेल्दी फैट्स के लिए। अच्छा, बादाम काहे के लिए? बादाम हमारा है सॉरी एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। ओके ओके, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को समझ में अच्छा आ जाता है। बिल्कुल, आप बोल के अपने को समझ लेंगे, जब मैं बोलूंगा तो दिस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ बेस्ट इंटरव्यू, यू शुड नो इट। ओके,
ठीक है ठीक है। इसके बाद अच्छा ये जो आपका ये जो आप है जी, इसके इसका खाने का तरीका वगैरह कैसे क्या लेना चाहिए? इसका खाने का तरीका ये है कि आप ऐसे खा सकते हो, इसको आपने बोला ठीक ठीक है। आप ये आपको मसाला मिलता है जिसके अंदर मसाला भी है ये। हाँ, मसाले का क्या मतलब टेस्ट अच्छा हो जाए। हाँ, इसके अंदर काला नमक है ठीक है, इसके अंदर काला नमक है। हमारा क्या है, हींग पड़ी हुई है जो पेट के लिए बहुत अच्छा, अच्छा वो जो अजवाइन ठीक है, ऐसी काफी चीजें पड़ी हैं जो हमारे पेट के लिए काफी अच्छी है। हाँ, ओके। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसमें मिलाते हैं और हमारे को खून मिलता है, हम इसमें डाल के पूरा मिला के फिर हम इसे इजली खा सकते हैं। और इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सारे लोग टेस्ट कर सकते हैं, सबको पसंद आएगा। अच्छा, लंच में लेके जा सकते हो, किसी बच्चे को लंच में दे सकते हो। अच्छा ओके, वेरी साथियों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि सबसे अच्छी बात जिन्होंने बताई, तो बच्चे इधर उधर की चीजें चाउमीन पिज्जा बर्गर खाते हैं और इन्होंने बिल्कुल टिफिन बना दिया है, देखिए टिफिन के रूप में बना दिया है, और बच्चे को ऐसे ही पकड़ा दो बस आराम से खा लेगा। देखिए रेट क्या क्या है दिखाइए जरा। ओके सर, ये 29 रुपीज का मिल रहा है ये कैनोपी से, वैसे अगर आप कहीं बाहर से लेते हो तो ये आपको 49 का मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप प्रमोट करने के लिए 29 रुपए का दे रहे हैं और वैसे 49 का देंगे। साथियों देख रहे हैं ये मात्र 29 रुपए में दे रहे हैं। आज 29 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन 29 रुपए में इतनी शुद्ध चीज ये दे रहे हैं। वाकई में जिस हिसाब से बीमारी बढ़ती जा रही है उसके लिए इनका जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ 29 रुपए का वैसे भी 49 रुपए, इस महंगाई के जमाने में साथियों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस महंगाई के जमाने में जब क्या कहते हैं कि कहीं बॉडी को पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर हम लोग खाते हैं, ऐसे में इन्होंने एक टिफिन के रूप में तैयार किया। देखिए 29 रुपए 49 रुपए 99, कुल मिला के जितना पैसा हम लोग खर्च करते हैं गाड़ी में, कितने पेट्रोल डलाते हैं तो भी वो 100 रुपए का हो जाता है। उस हिसाब से जो इनका प्रयास जो है वो सराहनीय है, रियली है भाई। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और कैसे डिलीवरी करते हैं ये सबको बता दीजिए, कैसे जो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे कैसे करेगा। ये हमारा व्हाट्सअप का QR है जिसपे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप का नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर से अपने मुँह से बताइए, आप पूरा नंबर दो बार बताइए। ओके, असल में हमें वो नंबर याद नहीं है सर, तो उसके आपका नंबर यही नंबर आपको चलेगा। अच्छा अच्छा, ये नंबर है, ये आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए, ये आपका ब्रांड है या किसी ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी आपके पास? ये हम स्टार्टअप कर रहे हैं। आप स्टार्टअप कर रहे हैं सर? ये हमारे हम तीन दोस्त मिलके इस चीज का स्टार्टअप कर रहे हैं। अच्छा, फ्रेश फूड मिले, अच्छा हाइजीनिक मिले, अच्छा बाहर से खा सकते हैं। तीन दोस्त आपके, बाकी दोस्त कहाँ आपके? मेरा कुंदन है, माय फ्रेंड है आपका फ्रेंड कुंदन। अच्छा, आप दूसरे साथियों देखिए कि इन तीन दोस्तों ने इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में कितनी अच्छी शुरुआत की है। इधर आइए कुंदन, आप इधर आइए मेरे साथ, आइए बाहर आइए आइए। ये अभी आप क्या नाम बताया था आपने? अभी अनन्य, अनन्य नाम जैसा है अनन्य, उसका कितना खूबसूरत नाम है, अनन्य ग्रेट नाम। चलिए अब दूसरे साथ, आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? कुंदन। कुंदन, अनन्य कुंदन, क्या गजब की केमिस्ट्री है, नाम की तरह ही आपकी साइकोलॉजी भी गजब की है। ये बताइए ये जो स्टार्ट, ये जो आप तीन दोस्तों ने मिलकर किया है बात, ये सब चीज़ है, तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी? इसके पीछे यही सोचते हैं कि हम लोग जो सुबह सुबह लोग हैवी डाइट नहीं ले पाते हैं और जो कि अच्छी डाइट भी नहीं ले पाते हैं, बंद खाते हैं और यही सब खाते हैं, तो हम लोग ने सोचा कुछ अच्छा खाएं, कुछ यूनिक खाएं जो कि हमारे मतलब पहले से जो लोग खाते आ रहे हैं गले वाले। अच्छा, तो सोचे कि अच्छी चीज़ें खाएं। तो आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने BSc की। BSc साथियों देखिए कितनी अच्छी सोच है इन साथियों की। हमारे जो युवा साथी हैं, युवा जहाँ एक तरफ दारू और लड़की के चक्कर में ही बर्बाद रहते हैं रील के चक्कर में, वहाँ पर हमारे ये दो युवा साथी कुंदन और अनन्य, इनकी इस सोच के लिए इस चैनल को की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ। 15-20 देशों में जहाँ भी मेरा चैनल जा रहा है, मैं क्या कहते हैं उनकी तरफ से सबकी शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी जो ये कंपनी है, QR कोड है, आपको अपना मोबाइल नंबर याद है? हाँ याद है। आप अपना बताइए, आपके साथी को अपना मोबाइल नंबर नहीं याद है, बताइए।
7080239864 साथियों, आज के लिए आपको बस यही लेकर आया था मैं हूँ। ये देखिए रूमी गेट में हाजिर हूँ, वही लखनऊ नाम महत गुम्बदो मीनार नहीं, एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। साथियों, मिलता हूँ फिर कुछ लेकर नया।